हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग का कमेंट था जब पूछ रहे थे कि जो सोलर और गीजर दोनों को एक ही साथ कैसे कनेक्शन वॉल मिक्सर को करना है। फ्रेंड्स, क्या होता है, आप लोगों जब भी मौसम ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से धूप नहीं होता, तो धूप नहीं हुआ तो फिर आपको सोलर यूज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोल्ड वाटर ही आएगा। और दूसरा चीज़ क्या है, उसी टाइम में आपको गीजर ऑन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, गीजर और सोलर ये दोनों को किस तरह का एक ही में कनेक्शन करें तो कम से कम आप वॉल मिक्सर यूज कर सकते हैं, गर्म पानी आपको तुरंत मिल सकता है। फ्रेंड्स, इसका दो ऑप्शन है, एक दो ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा, आपको जो अच्छा लगेगा उसी हिसाब से आपको कनेक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आप इस वीडियो में आपको पूरा टेक्निक बताऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, आराम से समझ में आ जाएगा सभी, फिर आप नेक्स्ट कभी भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो जो है हमारे चैनल में आगे आपको इसी तरह मिलता रहेगा, इसी तरह का कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ये तीन पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे है, दो में स्टॉपकॉक लगा हुआ है और एक में सीपी हेक्सनपल लगा हुआ है। फ्रेंड्स, पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये गीजर का इनलेट है, ये आउटलेट है। फ्रेंड्स, ये गीजर को पानी जाके फिर इसमें आने के लिए होता है। फ्रेंड्स, कभी भी स्टॉपकॉक आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि पानी हॉट वाटर गीजर वैसे भी स्लो देता है, अगर आपने यहाँ पे दूसरा स्टॉपकॉक डाल दिया तो वो पानी को और कंट्रोल कर देगा, जिसकी वजह से आपको स्लो आएगा। यहाँ पे हेक्सनपल ही डालना है। फ्रेंड्स देखिए, ये गीजर का कोल्ड वाटर है, ये गीजर को पानी जाने के लिए, फिर गीजर से आने के बाद इधर जाता है, इसका मतलब ये गीजर का ही कनेक्शन है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये सोलर का है, यहाँ सोलर से पानी यहाँ तक आता है। फ्रेंड्स, ये तीन पॉइंट हो गया, एक सोलर, एक कोल्ड वाटर, एक जाने के लिए वॉल मिक्सर को जाने के लिए हॉट वाटर है। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, अभी मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम अभी गीजर को पानी पहले छोड़ेंगे, गीजर को छोड़ने के लिए क्या होता है, यहाँ पे अभी फिलहाल गीजर नहीं लगा हुआ है, अगर गीजर लगता तो पहले कोल्ड वाटर को ऐसे छोड़ना पड़ता ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोल्ड वाटर आता ही है, अभी खोल दूंगा तो कोल्ड वाटर ही आएगा। देखिए, ये कोल्ड वाटर है, अगर उस गीजर को लगा के आने के बाद फिर वहां से एक पाइप आता है गीजर से, जिसके वजह से ये हॉट वाटर इसमें लगता है। देखिए फ्रेंड्स, ये गीजर का दो पाइप हो गया, ये पानी जाने के लिए, ये आने के लिए। फ्रेंड्स, अभी क्या है, अगर आपको गीजर को चालू, एक अक्षर में आपको बताऊंगा, कोल्ड वाटर को यूज नहीं करना है, वो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, क्या करना है आपको, सीधा सोलर में इसको कनेक्ट करना है। ये सोलर का पॉइंट है ना, ये सोलर का पॉइंट में एक पानी सीधा छोड़ना है गीजर को, और गीजर से जो आएगा इसमें आपको हॉट कनेक्ट कर देना है, ये गीजर में कनेक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये पानी जाना और गीजर से इधर आना, ये बंद रखना। इसमें क्या प्रॉफिट है फ्रेंड्स, कभी भी सोलर में क्या होता है, सोलर काफ़ी दूर में बैठता है, गीजर पास में है, अगर आपने तुरंत हॉट वाटर वॉल मिक्सर में यूज किया, खोला, तो ये कम से कम 5 मिनट तक कोल्ड वाटर ही आएगा, क्योंकि सोलर काफ़ी डिस्टेंस में है, ऊपर है, कहीं भी बैठा है, वहाँ से पानी पाइपलाइन यहाँ तक आके अगर सीधा हम इसको डायरेक्ट इधर लगा दिया, ऐसे लगा दिया तो भी क्या होता है, सोलर का पानी मिक्सर में आता है, पर क्या होता है, जब सोलर का ठंडा पानी नहीं आता फिर आपको गीजर का प्रॉब्लम होता है। इसलिए क्या करना है, अगर हमने गीजर को ये सोलर पानी डायरेक्ट दे दिया फिर गीजर से लिया, तो उसमें प्रॉफिट क्या है फ्रेंड्स, जब आप गीजर यूज करोगे, जो सोलर का पानी जो हॉट वाटर ऑल मिक्सर में यूज किया, उस टाइम में क्या होता है, सोलर का पानी गीजर का टैंक में भर के फिर आपको यहाँ से आता है, इसका मतलब गर्म पानी कभी भी गीजर में रहता है, जब आप ओपन करोगे तुरंत ही आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट सोलर को इसमें दिया तो काफ़ी टाइम लगता है फ्रेंड्स। और एक क्या है, अगर आपको 2-in-1 कनेक्शन करना है तो क्या करना है, ये देखो सोलर का पाइप, एक कनेक्शन पाइप डालना और गीजर को भी कोल्ड वाटर जाने के लिए पाइप डालना, ये देखिए गीजर को अगर ऐसे डालना फिर गीजर से आने के बाद इधर डालना। फ्रेंड्स क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड्स देखिए मैंने एक पुराना चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने एक GIT लिया हूँ, GIT और दो हेक्स नेपल है, CP नेपल मैंने अभी फिलहाल लगाया हूँ, दो तरफ दो नेपल है। फ्रेंड्स पहले से यहाँ पे
सीपी नेपल आके लगा रहता है, यहाँ पे टेफलन टेप मार के फिर आपको ये टी को टाइट कर देना है, इसी तरह का टी को टाइट कर देना है। फ्रेंड्स अभी होता क्या है, और टी को टाइट करने के बाद ये टी का जो बीच वाला हिस्सा में एक हेक्सटापल डालना और एक इधर हेक्सटापल डालना, उसमें डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, अभी कभी भी अगर हमने सोलर को क्या करेंगे इसमें अभी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, सोलर इसमें कनेक्ट हो गया, अगर हम पानी सोलर का चालू करें तो भी आएगा, अभी ओपन है इधर आ जाएगा। फ्रेंड्स अब क्या करना है, तीन कनेक्शन पाइप लगेगा, फिर सोलर को इसमें कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे जो गीजर का जो कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर जो है फिर गीजर को देना है, दो पाइप हो गया, और जो तीसरा पाइप है गीजर से पानी ला जो आएगा तो उसको इसमें डालना है, ये गीजर से आने वाला पानी है, तो इसमें तीन कनेक्शन पाइप यूज होता है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, आप कभी भी अगर सोलर को अपने वॉल मिक्सर का लेफ्ट साइड में गर्म पानी आता है, इधर आता है, अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए इधर गीजर में तीन पाइप जाके आया है, फ्रेंड्स क्या है एक पाइप और नहीं है, मैं इधर से एक पाइप लगा के जो हॉट वाटर आता है यहाँ पे और एक कोल्ड वाटर का पाइप ऐसे लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है आपको देखिए, इसको अभी फिलहाल गीजर नहीं है तो मैं इसको ही कनेक्ट कर देता हूँ, देखिए ये समझो कि ये पाइप दो पीस जो है गीजर को होके आ रहा है, ऐसे ही रहना, बिल्कुल गीजर से होके आता है ये पाइप, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा, क्योंकि गीजर नहीं है इसलिए आपको कन्फ्यूज थोड़ा होता होगा, ये क्या है गीजर में ये दो पाइप समझो, गीजर में कोल्ड वाटर हॉट वाटर का पाइप ऐसे कनेक्शन होना है। अब गीजर में आपने अगर आपको सोलर चाहिए तो सोलर को ओपन कर दो, ये सब पाइप सब कनेक्शन नहीं हुआ इसलिए लीकेज हो रहा है, देखिए सोलर पानी आना शुरू हो जाएगा, अगर आपने गीजर का चालू किया तो सोलर को ऑफ करो फिर गीजर का कोल्ड वाटर चालू करो फिर वो भी आ जाएगा, क्योंकि गीजर और सोलर दोनों एक ही आउटलेट में आके वॉल मिक्सर को आएगा। फ्रेंड्स ये जो टेक्निक है ये एक टेक्निक है, और मैंने बताया पहले सीधा जो हॉट वाटर को जो गीजर का जो सोलर का जो वाटर है सीधा गीजर को छोड़ दो, गीजर से लाके इधर इसमें कनेक्ट कर दो, वो एक ऑप्शन है, सिर्फ दो पाइप लगता, और इसको कनेक्शन करके लिए तीन पाइप लगेगा, और तीन पाइप और दूसरा एक टी दो हेक्सनपल, तो उसमें जो आउटलेट है आउटलेट में इस तरह का टी डाल देना, और इसमें से एक सोलर से लेके कनेक्ट करना, एक गीजर हॉट वाटर को लेके कनेक्ट करना, और कोल्ड वाटर जाके गीजर में कनेक्ट, गीजर में दो पॉइंट होता है एक कोल्ड एक हॉट, जो कोल्ड का पानी कोल्ड में कनेक्शन करना, हॉट का पानी लाके यहाँ कनेक्शन कर देना। फ्रेंड्स ये बोले तो टू इन वन कनेक्शन किसी को भी यूज करने में ईजी होता, क्या है अगर मान लीजिए उसको कंटिन्यू सोलर ही चालू रहता, अगर कभी कभी मौसम खराब रहा उसको गीजर चालू करना पड़ा तो इसको ऑफ करेगा इसको चालू कर देगा तो गीजर भी चालू हो जाएगा। ये जो है ये ट्रिक दो ट्रिक है, मेरे को सबसे अच्छा ट्रिक कौन सा है, सोलर को सीधा गीजर में दे दो, गीजर में से होके आके इसको कनेक्ट कर दो, कोल्ड लाइन को बंद रखो, क्या होता है उसमें सोलर का पानी नॉर्मल आता ही रहेगा, गर्म आया तो ठंडा आया तो जो भी आएगा गीजर होके आएगा, मान लीजिए आपने तुरंत ऑन किया तो तुरंत आपको हॉट वाटर आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर ये जो आपका जो पूछ रहा था मैंने आपको बताया इसी तरह का कनेक्शन कर सकते हो, लगता है मेरे को आपको समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर होना।